गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, आई एम चंचल योर हिंदी टीचर. टूडे आई एम टीच यू चैप्टर सेकेंड. चैप्टर नेम इज अल्फाबेट, हिंदी मीनिंग वर्ण. स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग को. बच्चों, दिन भर हम और आप ऐसी बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं. जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से भी कई ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे खाना शब्द की जो ध्वनि है ख प्लस आ प्लस न प्लस आ, तो इनको मिलकर हमारा क्या बनता है, खाना. हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है. इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं. वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. यानी जो वर्ण है ये भाषा की कैसी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. जिन ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं. सबसे पहला है वर्णों के प्रकार. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर. हिंदी में 11 स्वर हैं. स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है. इसमें जो आपके जो स्वर हैं वो कितने हैं, 11. 11 स्वर में सबसे पहला है आ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ऋषि, ए, ए, ओ, ओ, ठीक है. तो इसमें ये हमारा ये जो साउंड होता है, ये हमारा छोटे आ का साउंड होता है, ये हमारा बड़े आ का साउंड होता है. इसलिए यही इसमें ये छोटी ई का साउंड है और इसमें बड़ी ई का साउंड है. यानी इसका जो साउंड है वो थोड़ा इस साउंड से थोड़ा तेज निकलता है. इस तरीके से ऊ और ऊ, यानी कि इसमें थोड़ा तेज साउंड है. इस तरीके से ए है ऋषि का, तो ऋषि कहेंगे. और इसमें ए है और ए है, ओ है ओ है. इसके बाद चैप्टर पेज देखते हैं. सेकेंड स्टूडेंट, सेकेंड पेज पे हमारे आते हैं व्यंजन. हिंदी में 33 व्यंजन हैं. व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है. स्वर जो है, जैसे हमारे 33 व्यंजन है, पहले हम इसे काउंट करते हैं. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. स्टूडेंट अब हम आते हैं वर्णमाला पे. सब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है. हिंदी की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन. हिंदी की वर्णमाला में मूल रूप से 44 वर्ण हैं, तो अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 वर्ण है होते हैं. इन्हें अल्फाबेट कहते हैं. यानी इंग्लिश मीनिंग क्या है, अल्फाबेट, वर्ण का. इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, यानी परिभाषा. वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं. स्वर के बिना अगर हम व्यंजन को हलंत कैसे लिखते हैं, हलंत का साइन आपका ये है, लगातार लिखे जाते हैं. जैसे क ख ग और घ, यानी इन पे सबके हलंत का साइन लगा हुआ है. आदि सभी व्यंजनों में आ स्वर लगा होता है. क पे हलंत लगा हुआ है, अगर इस पे आ लग गया तो ये प्रॉपर आपका बन गया का. इनके अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण हैं, जैसे छ क्षत्रिय, त्र ज्ञ और ये छ श्रमिक. ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन, यानी कि ड और अड़ा. ये अड़ा और ये डा ढक्कन वाला नई ध्वनिया, ये नई ध्वनिया है. अ ज फ, तो इसमें आपका ये साइन लगा हुआ है, इसमें आपका नीचे बिंदी है, ये फाप के नीचे भी बिंदी है. ये क्या है, आगत वर्ण. अंग्रेजी, अरबी और फारसी से ग्रहित हैं. स्टूडेंट अब हम आते हैं पेज नंबर 14 पर. बच्चों अब आप कुछ ऐसे और ऐसे व्यंजन तथा ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रयोग बातचीत के समय बहुत अधिक किया जाता है. यानी ऐसे व्यंजन पढ़ेंगे जिसका प्रयोग बातचीत के समय बहुत अधिक किया जाता है. नीचे दिए गए चित्र, यानी कि बेटा स्टूडेंट्स ये जो चित्र दिए गए हैं, ये बताया गया है नीचे दिए गए चित्र. भारत के झंडे को तिरंगा भी कहते हैं. सेकंड चित्र है आपका, देखो बच्चे कैसे हंस रहे हैं. यानी ये जो टीचर हैं ये बच्चों को क्या बता रहे हैं कि भारत के झंडे को तिरंगा कहते हैं. इस तरीके से ये देखो बच्चे कैसे हंस रहे हैं, यानी ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं. अब आते हैं बेटा नीचे. आपने झंडे, तिरंगा, हंस आदि शब्दों में ये जो साइन लगा हुआ है आपका बिंदी वाला, और ये है चंद्र की बिंदी वाला, ठीक है. तो चिन्ह देखे हैं,
ये जो चिन्ह है ये अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं, यानी ये जो है आपका चिन्ह है ये क्या है, अनुस्वार का, और ये जो चिन्ह है आपका वो है अनुनासिक का। अनुनासिक का जो चिन्ह है आपका वो ये होता है, और अनुस्वार का जो चिन्ह है वो आपका ये होता है, और जो अनुनासिक का चिन्ह है वो आपका ये होता है। संयुक्त व्यंजन, अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। ये जो टॉपिक है संयुक्त व्यंजन पर है आपका। बच्चों हिंदी भाषा में छ त्र ज्ञ छ छमिक वाला छ, ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ देखेंगे शिव जी के पास हमेशा त्रिशूल रहता है, यानी ये त्रिशूल आपको दिखाई दे रहा है, ये किसके पास है, शिव जी के पास। तो इसका जब साउंड देखेंगे त्र पे क्या है आपका, ये हलंत लगा हुआ है, ता पे इसके बाद रा है, तो इन दोनों को मिलकर हमारा क्या बनता है, त्र। तो त्रिशूल जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, त्रिशूल। इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड पेज पे। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, यानी छह छमेक है इसमें। इसमें का इस पे हलंत लगा हुआ है आपका, इसके बाद प्लस है आपका शाह है, या इन दोनों का साउंड आ रहा है, तो इससे मिलकर हमारा छह कक्षा बनेगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये कक्षा में बता रहा है बच्चे, मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो ये बता रहा है अपनी कक्षा को देखकर। तो इसमें ये है जो छ है वो क हलंत वाले का से और छ इन दोनों से मिलकर कक्षा बनेगा। इसके बाद स्टूडेंट अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज को। नेक्स्ट पेज में भी हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। भारत में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, यानी इसमें ज्ञा आपका अंडरलाइन में रेड है, तो इसमें क्या देखेंगे, ज्ञा हमारा किस किस से मिलकर बना है, ज से और ए अणा से। तो इन दोनों का साउंड जब आ रहा है मिलके, तो इनसे क्या बन रहा है हमारा, ज्ञा। तो इसको हम बोलेंगे, चित्र में जो दिख रहे हैं उसको बोलेंगे हम ज्ञानी। इसके बाद श्रमिक, पत्थर तोड़ रहा है, तो छ जो बन रहा है आपका श से बन रहा है और ये रा से बन रहा है, तो श्रमिक। तो श और रा से मिलकर क्या बना हमारा, छमिक, क्योंकि ये छमिक का सा वो है चित्र। इसके बाद हम आते हैं बुक एक्सरसाइज पे। स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हम आओ दोहराएं जो लिखा हुआ है, तो एक बार हम इन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। मुख से निकली ध्वनियां ही भाषा बनती है, यानी कि मुख से जो निकली ध्वनियां जो निकलती हैं उससे ही हमारी क्या बनती है, भाषा बनती है। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो तरह के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है आपका बन रहा है, दो अलग अलग व्यंजनों को मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्टूडेंट थैंक यू। स्टूडेंट चैप्टर की रीडिंग करने के बाद अब हम आते हैं चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर पे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं, इसका जो आंसर है, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, सेकंड का जो आंसर है, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर दूसरा व्यंजन। जो स्वर है उसमें कितने भेद हैं आप पहले काउंट करेंगे हम, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। स्वर कितने हैं आपके, 11, और जो व्यंजन है वो कितने आपके, 33 व्यंजन होते हैं। सो स्टूडेंट ये जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो यहीं खत्म होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम चंचल योर हिंदी टीचर। टुडे आई एम एक्सप्लेन चैप्टर सेकंड वर्ण बुक एक्सरसाइज। To now student, yesterday I was reading chapter 2 Hindi grammar. To today, आज हम आपको chapter 2 की जो book अभ्यास है उसका reading कराने जा रहे हैं। तो now start करते हैं। सबसे first है आपका, आप अपने और अपने किन्हीं चार मित्रों के नाम और ध्वनियाँ लिखिए। जैसे आप अपने सर्कल में या कहीं भी कोई भी फ्रेंड या कोई भी सर्कल हो उसमें किसी चार मित्रों के आप नाम लिखकर उनकी ध्वनियाँ आपको लिखनी है, ठीक है। इसके बाद हम उन
जो उनकी ध्वनियां लिखेंगे, तो किस तरीके से उन्हें लिखेंगे ये हम आपको एक्सप्लेन या परिभाषित करने जा रहे हैं। तो नाउ स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, सबसे फर्स्ट है आपका अमित। अमित, अमित की जो ध्वनि बनेगी आपकी अ प्लस म प्लस ई प्लस त प्लस अ, ये किस तरीके से बन रहा है? ये इस तरीके से बन रहा है जैसे आपने अमित लिखा, उस पे जो आपका साउंड यानी कि ध्वनि आ रही है वो माँ की आ रही है। किस तरीके की माँ की आ रही है? हलंत वाले माँ की। इसके बाद ई, कि ई का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि जो आपका अमित के पास जो माँ मछली का जो आपका वो है उसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इस वजह से हम यहाँ पर छोटी ई की मात्रा से इसे डिफाइन करेंगे। इसके बाद है प्लस त, तो ता आ रहा है आपका इसलिए ता लगाया है, ये आपका सिंगल ता है इसलिए इसके बाद अ लगाया है यानी छोटा वाला अ। इसमें हम हलंत इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है ख। इसमें हमने लिखा हुआ है एक नाम सुमन, तो सुमन को हम जब लिखेंगे तो उसकी ध्वनि हम इस तरीके से लिखेंगे जैसे स प्लस उ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ, ये इस तरीके से आ रहा है जैसे आपका सुमन सु है। इसमें आपका शा है, इसमें इसके बाद प्लस और उ। उ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उ की मात्रा दी गई है, किस कौन से वाले उ की? छोटे उ की, ठीक है? अगर यहाँ बड़े उ की दे रहे होते तो हम बड़े उ की मात्रा यहाँ पे इस तरीके से करते, ठीक है? लेकिन ये छोटी यू की इसलिए वजह से हम इसे छोटा उ का दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद है आपका म, यानी कि यहाँ पे म लिखा हुआ है, इसके बाद सिंगल म है, कोई भी आपका मात्रा या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, इस वजह से म आपका हलंत वाला और उसके बाद आ का ध्वनि आ गई आपकी, ठीक है? इसके बाद है आपका न प्लस करके न, यानी ये भी ना है ये भी सिंगल है, तो इसकी जो आपका साउंड निकलेगा वो उसमें आ का साउंड आ रहा है, ठीक है? तो इसलिए हलंत का ना लिख के प्लस करके आपको आ लगाना है, ये इसकी ध्वनि है यानी साउंड है। इसके बाद अब हम आते हैं गा पर। इसमें हमारा जो नेक्स्ट लिखा है हमने ये राकेश लिखा है। राकेश लिखने के लिए सबसे पहले हम रा लिखा है इसलिए हमने रा लगाया। कौन सा वाला रा लगाया? हलंत वाला, क्योंकि सिंगल वर्ड के लिए हमेशा हम हलंत का रा लगाते हैं। इसके बाद हमारा बड़े आ की मात्रा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कौन सा ध्वनि लगाई है? बड़े आ की साउंड लगाया है, रा। रा बोलकर देखिए आपको आ का साउंड आ रहा है, किस आ का साउंड आ रहा है? आ का। इसके बाद बच्चों हम प्लस करके फिर का साउंड आ रहा है, क लिखकर इसमें जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? ए का साउंड। ये कौन सा वाला ए है आपका? छोटा ए, इस वजह से हम यहाँ पे स्मॉल वाला ए लिखेंगे। इसके बाद प्लस, इसमें प्लस करने के बाद श आ रहा है, यहाँ पे श देखिए ये सिंगल है आपका, इस वजह से यहाँ पे जो आपको प्लस करने के बाद छोटा वाला आएगा। नेक्स्ट है आपका घ। इसमें हमने आपको लिखा है राम। राम लिखने के लिए जो साउंड आपका यूज होगा, सबसे पहले रा लिखिए हलंत वाला, फिर प्लस करके आ। आ इसलिए आ रहा है क्योंकि र के बाद एक मात्रा है जो कि बड़े आ की मात्रा है, इस वजह से रा बोलते समय ही आपका साउंड सुनाई दे रहा है रा, इस वजह से हम बड़ा आ का लगाएंगे साउंड में, ठीक है? इसके बाद माँ है, माँ के हलंत वाला माँ आएगा, प्लस करके आ आएगा, ये इसलिए आया क्योंकि इसके बाद कोई भी मात्रा नहीं है, इस वजह से छोटा आएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारा ड सीता। सीता लिखने के लिए शा हलंत वाला प्लस ई। ई क्यों आया है? क्योंकि इसमें जो मात्रा है वो बड़ी की मात्रा है, ठीक है? इस वजह से यहाँ हम लगाएंगे बड़ी। प्लस ता, ता है, इस पे आपका डंडा लगा हुआ है तो इस वजह से इस पे साउंड आ रहा है वो बड़े आकार आ रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज में। इसमें आपका है दिए गए वर्णों से दो फूल दो फल दो मिठाइयों के नाम लिखिए, यानी आपको जो लिखना है वो इसमें से दो फूल दो फल दो मिठाइयों के नाम लिखने हैं, यानी कि आपको इसमें से छाटने हैं। एंड देखिए ला है आपका, रा है, चा है, ना है, फी है, जा है,
वा है, गु है, मू है, ली है, शे है और मे है। इसी में से हमने जो यहाँ पे नीचे दो फल, दो फूल, दो मिठाइयाँ लिखी हुई हैं, तो सबसे पहले देखिए आपका गुलाब। गुलाब में देखिए आपका गुलाब कहाँ है, ग लिखा हुआ है, ला ला यहाँ पर है, ब कहाँ है आपका, यहाँ पर है। तो इन तीनों से मिलकर हमारा जो बनता है वो बनता है गुलाब। एंड नेक्स्ट हमारा जो फूल है वो बनता है चमेली। चमेली के देखिए आपका चा मिलेगा आपको, ये यहाँ मिला आपका, माँ के लिए आपका माँ यहाँ मिला आपका, और ली जो मिला है आपका वो मिला है यहाँ। तो दूसरा जो फूल बनता है इसी में से आपका बनता है चमेली। एंड नेक्स्ट हमारे दो फल आते हैं। इसमें जो दो फल है हमारा, सबसे पहला है जामुन एंड दूसरा है सेब। जामुन में देखिए आप जा है आपका, वो यहाँ है, माँ के लिए मुंह ये रहा आपका, छोटा ऊ की मात्रा आएगा, और इसके बाद ना है वो यहाँ पर है। तो फर्स्ट जो फल बनता है हमारा जामुन बनता है एंड सेकंड फल बनता है हमारा सेब। सेब के लिए शे ये रहा आपका और बा आपका ये रहा। तो नेक्स्ट जो फल बनता है वो हमारा बनता है सेब। इसके बाद दूसरे मिठाइयाँ पर आते हैं। मिठाइयों में सब हमारी एक मिठाई बनती है इसके अकॉर्डिंग गुलाब जामुन। ग गु ल ब जा मु और ना। तो आपका इन सब से मिलकर क्या बनी फर्स्ट मिठाई, ये गुलाब जामुन बनती है। इसके बाद है हमारी सेकंड बर्फी। बर्फी के लिए सबसे पहले हम व, दूसरा रा एंड थर्ड फी, यानी कि व पा ये रा। तो इसको मिलकर हमारी जो बनती है सेकंड मिठाई वो बनती है बर्फी। अब बच्चों हम आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। इसमें आप पढ़ेंगे नीचे दिए गए शब्दों में से स्वर छांटकर पीले लिफाफे में और व्यंजन छांटकर लीले लिफाफे में लिखिए। यानी ये है आपका पीला लिफाफा और ये है आपका नीला लिफाफा। ये आपके स्वर और व्यंजन का मिक्सअप है। इसको हम व्यंजन को हम यहाँ लिखेंगे और स्वर को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। स्वर ये हैं और व्यंजन ये हैं। स्वर में सबसे पहला हमारा ओ आता है, नेक्स्ट हमारा आ आता है, थर्ड हमारा ऋषि है और फोर्थ हमारा छोटा ई है और फिफ्थ हमारा ऊ है, जो कि इसी एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। इसके बाद हमारे व्यंजन आते हैं, फिफ्थ चा है, ग्या है, ता है, शा है और रा है। ये हमारे व्यंजन है, यानी फाइव फाइव आपके स्वर, फाइव व्यंजन आपके यहाँ कंप्लीट होते हैं। फोर्थ हमारी एक्सरसाइज आती है, ये आती है आपकी फोर्थ, यानी पढ़ें पहले से आप नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संयुक्त व्यंजनों में से एक एक नया शब्द बनाइए। यानी संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बुक चैप्टर एक्सप्लेन करते समय आपको पढ़ाए, जैसे ग्या हो गया, ऋषि हो गया, शा हो गया आपका, त्र हो गया, ये हमारे कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसी में से ये आपके कुछ थीम्स दे रखी हैं। तो ये आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चों, यज्ञ है। तो यज्ञ को हम कैसे तरीके से लिखेंगे, य ग, यानी यज्ञ। ये इसका ये किसका डायग्राम है आपका, ऋषि का। तो ऋषि हम इस तरीके से ऋषि। एंड नेक्स्ट है हमारी ये क्या है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी क्या हुआ, कक्षा। तो कक्षा हम कैसे लिखें, कक्षा। एंड ये हमारा पत्र है, देखिए यहाँ पर सेवा में लिखा हुआ है, तो ये आपको दिखने में दिख रहा नजर आ रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, पत्र। इस तरीके से हमारा चैप्टर सेकंड की जो बुक एक्सरसाइज है ये आज खत्म होता है। तो वी स्टूडेंट प्लीज केयरफुली रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।